श्री नंदलाल जी हल्द्वानी में देसी घी के बड़े कारोबारी थे। बाबा के महाप्रयाण के बाद उन्होंने कैची धाम आना जाना छोड़ दिया था। सन 1974-75 में उन्हें टीबी हो गई। उन्होंने भवाली सैनिटोरियम में अपना परीक्षण कराया तो इस रोग की पुष्टि भी हो गई। जब दुखी और हताश होकर वो अपनी पत्नी के साथ भवाली से लौट रहे थे तो उनकी पत्नी ने कैची धाम में दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की। नंदलाल जी पत्नी के साथ कैची आ गए। बाबा ने अपनी लीला आरंभ कर दी। श्रीमती नंदलाल जब दुखी मन से बाबा के कक्ष में उनको प्रणाम कर रही थी तो बाबा की वाणी सुनाई दी उन्हें, कैंची क्यों नहीं आते, आया करो। बाबा का ये स्पष्ट आदेश उन्होंने श्री माँ को सुनाया तो श्री माँ ने कहा, नंदलाल जी की बीमारी अब बिल्कुल ठीक हो जाएगी, वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। यही हुआ। नंदलाल जी की टीबी बाबा की वाणी से ही चली गई। सिर्फ औपचारिकता शेष रह गई थी, वो भी दिल्ली जाकर ख़त्म हो गई। जब वहाँ नंदलाल जी ने पूर्व रिपोर्टों को दिखाया तो डॉक्टरों ने सभी को बेकार घोषित कर दिया। 3 दिन के लिए सर्दी जुकाम की दवा देकर विदा कर दिया और नंदलाल जी पूरी तरह स्वस्थ हो गए। ऐसे दयालु हैं बाबा। जय हो नीम करोरी बाबा की सदा जय हो, माँ सिद्धि की सदा जय हो। बाबा अपने भक्तों का कल्याण करना प्रभु, कल्याण करना प्रभु। जय हो बाबा जय हो, सदा ही जय हो।